हाय राहुल, आप दोनों को इकट्ठा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप दोनों? सब बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सर। अच्छा, एक ना अपने कैमरा के लिए आप अपना नाम बताना चाहेंगे? जी सर, राहुल जैन और दीप्ति जैन। अच्छा, वह बहुत अच्छे, बहुत प्यारी जुड़ी लग रही है आप दोनों की। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? जी सर, जरूर बताना चाहूँगा सर। एक्चुअली सर, जेल के अंदर था सर। ओके। आज़ाद हो गए सर। हाँ सर, ये भी जेल के अंदर थे। हाँ सर, दोनों आज पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं। और लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं या जो समाज में जो जागरूकता नहीं है, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा मैं कि अपने बच्चे को सिर्फ एक बार समझ लीजिए, सिर्फ एक बार, कि अगर कोई भी बच्चा बचपन के अंदर कोई लड़की है और उसको लड़कों का ड्रेसअप अच्छा लगता है, या कोई लड़का है उसको लड़कियों वाली चीज़ अच्छी लगती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उसको ऐसा अच्छा लग रहा है उसे? एक बार अगर माँ बाप उसको समझ लेंगे, अगर टीचर उसको समझ लेंगे, तो शायद जो दर्द मैंने सहा है, और मुझे यही लगता था कि शायद इस जन्म में मैं ऐसे ही मरूंगा, लेकिन जब दीप्ति मेरे को मिली, इसने मुझे सिखाया, इसने मुझे ये समझाया कि नहीं, इसी जन्म में आजाद होना है। और सर, मैंने ये डिसीजन लिया कि आप कब मिले राहुल से? सर, 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए सर हमारे रिलेशन। सर, ये हर बार यही बोलती थी कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे आत्महत्या करनी है। मैं भगवान से एक ही प्रे करता था, आपको तो सब कुछ पता है ना, बस ये आत्महत्या ना करे, मैं सब कुछ करूंगा। मैं सर, मुझे, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन जो लड़की मुझे प्यार करती है, मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो ये चाहता हूँ ना कि एक इंसान मेरी लाइफ में भी हो। सर, जब लड़की वाला जो मेरा ड्रेसअप था सर, एक बहुत ही सुंदर था उस समय भी, लेकिन किसी लड़के ने आग उठा कर नहीं देखा। मैं कहता था यार, जैसा भी मिल जाए, काला पीला मिल जाए, कोई तो देखो मेरे को, लेकिन सर लड़कियाँ देखती थी सर, मैं इससे इतना परेशान था। लेकिन सर, जब ये मेरी लाइफ में आई, इसने ये बोला कि मुझे तो आत्महत्या करनी है। सर, मैं डेली ये सुनता था इसका एक वर्ड कि आत्महत्या करनी है, आत्महत्या करनी है। मैंने कहा आप नहीं करनी है, मैं बताऊंगा दुनिया को। सर, लोग ये बोलते थे दो लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है, तो सर मैंने ये स्टेप लिया कि नहीं, मैं एक लड़का हूँ और दुनिया को बताऊंगा कि मैं एक लड़का ही हूँ। और सर, आज मैं आपके सामने हूँ। तो राहुल, जब आप स्कूल में थे जी सर, तब क्या रिस्पॉन्स था आपके शिक्षक, जो टीचर्स थे जी, जो आपके साथी थे जी, उनका क्या रिस्पॉन्स था? सर, एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है ना मैं जेल के अंदर हूँ। तो आपने कभी बताया नहीं उनको कि भाई मैं? नहीं सर, मुझे डर लगता था मेरे को कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सर, घर के अंदर एक कमरे में बच्चा बंद हो जाए और किसी को ये ना पता हो कि कोई बच्चा इसके अंदर है, दिखाई ना दे किसी को, सर वही कंडीशन थी। सर, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम तब होती थी जब लेडीज लाइन में लगना था। सर, आज की कंडीशन में बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले तक कि जब मेरा ये सर्जरी नहीं हुआ था, मेट्रो में जाना है जैसे कि मेरे को कोई काट रहा है मेरे को, ये कंडीशन मेरी होती थी। मतलब मेरा इतना डिसबैलेंस हो जाता था, मुझे ये पता नहीं है मुझे जाना किस रास्ते पर है मेरे को। और सर, आज मैं मेट्रो से आया हूँ, मैंने दीप्ति को बोला, सर मैं यही बोलता था इसको कि देखो दीप्ति, मेट्रो से नहीं जाना है ना, देखो कोई प्राइवेट कोई वाहन कर लेते हैं। और सर, मैं बस से जाता था, मतलब मैं इतना डिसबैलेंस हो जाता था कि मुझे जाना कहीं है और मैं पहुँच कहीं जाता था, क्योंकि वो मेट्रो की जो लाइन मुझे दिखता था कि वो, अगर मैं सर जेंट्स वाली लाइन में लगता हूँ, लेडीज़ की लाइन में जैसे ही लग गया मैं, तो वो मेरे को बोलते थे अरे भाई साहब इधर आ जाओ इधर। फिर मैं सर उधर पहुँच गया, उधर वाले ने बोला इधर पहुँच जाओ भाई साहब, मैं उधर पहुँच गया। मैं मतलब ऐसा जैसे कि मैंने कोई अपराध करके मैं आ जाऊँ, मुझे ऐसा लगता था मैं कोई खूनी हूँ, कोई बलात्कारी हूँ, मैं क्या हूँ मैं? सर, सिर्फ मूर्ति के आगे रोना, एक यही बोलना कि मेरा अपराध तो बताओ, मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा मैंने किया क्या है, मैंने ये बताओ मेरा क्या कसूर है। हाँ सर, मैं दुनिया को चिल्ला कर बताना चाहता हूँ सर, जो दर्द मैंने सहा है, मैं ये नहीं चाहता हूँ जो भी आज जो बच्चा आ रहा है सर, बहुत सर मुश्किल होता है। तो डॉक्टरों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर, मैं मेडिकल कॉलेज है सर, वहाँ पर मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई जानकारी नहीं है सर, मेडिकल कॉलेज में सर जो सीनियर डॉक्टर जो थे सर मैं थोड़ा नाम थोड़ा मेरे से मिस हो रहा है इस समय, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई, तो कोई बोले कोई जानकारी नहीं है, आप मेंटल हॉस्पिटल जाइए। सर, मैं मेंटल हॉस्पिटल गया, मैं वहाँ जो सर सीनियर डॉक्टर है सर, मैंने 2 दिन चक्कर लगाया सर, जो बहुत सीनियर है, मुझे इतनी उम्मीद थी उनसे कि सर वो मेरी चीज़ समझ लेंगे, लेकिन बोले कि पेरेंट्स को बुला कर लाओ, ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगते हैं तो ठीक हो जाता है जनरली जो।
तो सर मैं कोई पागल नहीं हूँ सर, मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर। हजारों क्वेश्चन मैंने खुद से किए पहले कि ये नेचर के अगेंस्ट है या यही नेचर है। तो सर मेरी आत्मा ने एक ही चीज बोला कि नहीं, ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है, यही नेचर है। सर मैंने एक क्वेश्चन खुद से किया, कोई बच्चा अगर जन्म से अंधा है और उसे पता लगे 25 साल बाद कि उसकी आंख लगाई जा सकती है और वो दुनिया देख सकता है, तो सर उसे आंख लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? तो सर मेरे अंदर से जवाब आया उसको लगवानी चाहिए आंख। तो सर अगर आंख लग सकती है तो फिर मेरे अंदर भी ये फिजिकली कमी है ना, जो शरीर मेरे अंदर है और वो आत्मा मेरे पास नहीं है सर। तो सर उस कंडीशन पर फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ऐसा कराना चाहिए। धरती पर भगवान को डॉक्टर बोला जाता है, वही सच्चाई है। और सर मैंने आखिरी डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल के अंदर मुझे ये सर्जरी फाइनल मैंने किया। जब मैंने दुनिया को बाहर निकल कर देखा कि मैं अकेला इस जेल में कैद नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, सर शायद मैं अपनी ज़िंदगी लास्ट तक ऐसे जी लेता। बट सर ये है ना, ये जिसने मुझसे प्यार किया मैं उसे क्या दे रहा था? हर पल मौत। और घर वाले सिर्फ एक ही टॉर्चर कि दो लड़कियाँ कैसे शादी करेंगी। हाँ बात तो सही है, लोग कहते थे वेद पुराण में ऐसा नहीं लिखा है। मैंने कहा किसी पुराण में ये भी नहीं लिखा है ना कि दो लड़की एक साथ नहीं रह सकती हैं या दो लड़के एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन बात सर शादी की आती है। मैं जहाँ भी कहीं मेरे साथ में जाती है लोग बोलते हैं कोई लड़का बता दें इसके लिए। तो सर इसकी आंखों में आंसू होते थे। और सर क्या होता था कि हम दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, फिर मैं कहता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। फिर सर मैं खुद को संभालता था। सर कल भी रात में रो जाऊँ सर, पूरी रात सर रोता रहा है, ये सो रही थी और मैं रोता रहा बैठकर। मैंने भगवान से एक ही क्वेश्चन किया कि घर वाले आज भी नहीं समझ रहे हैं, आज भी इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं इसको ले जाऊंगा और उस सारी दुनिया को इकट्ठा करके मैं पूछूंगा इसका और मेरा कसूर क्या है, ये बताओ। मैं तुम्हारे सामने उस चीर दो मेरे को, काट दो मेरे को। सर मैं इसके घर वालों को बोलकर आया था कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैंने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि हजारों सवाल समाज ने मेरे माँ बाप से किया। सर वो गंदे लैंग्वेज यूज किया जो शायद एक माँ बाप के लिए सुनना पता है ख़त्म हो जाने के बराबर होता है। सर मैं अपने माँ बाप का दर्द समझता हूँ। सर जब मैं लड़की था तो मैं यही सोचता था कि अगर मेरे माँ बाप किसी कोड़ी इंसान से मेरी शादी करेंगे मैं उससे शादी करूँगा और उसको शादी से पहले देखूँगा नहीं। सर एक सपना था मेरा, लेकिन कुदरत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया जो मैं अपने माँ बाप के विरोध में आ गया। आज सर मुझे बहुत तकलीफ होती है, आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं भी अपने माँ बाप को प्यार करता हूँ। सर बहुत प्यार करता हूँ मैं भी, सर ये भी प्यार करती है। सर अभी भी तो समाज थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ना, एक बिल भी आया है आपके, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर एक्चुअली मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं यही चाहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ, मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ इसका फैसला सिर्फ मुझे करना चाहिए, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। सर आपको कैसे पता होगा कि मुझे दर्द हो रहा है अंदर पेट में? क्या कोई मीटर है जिसको इंडिकेट कर सकता है, कोई रेड लाइट है उसके अंदर कि पेट में दर्द हो रहा है तो रेड हो रहा है और हरा हो रहा है और पीला हो रहा है? कोई मीटर नहीं है ना, कोई इंडिकेटर नहीं है ना। तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ या आप कैसे उसको जान सकते हैं या कोई और कैसे मुझे देखकर फील करेगा? सर मैं इतने टाइम से सर लड़कों की ड्रेस में रह रहा हूँ और सर इसके साथ जब भी जाता हूँ तो बाहर अक्सर लोग बोलते हैं हम पति पत्नी है। सर अभी तो सर ये सर्जरी मैंने कराया हुआ है, उससे पहले भी लोग बोलते थे। तो सर मैं कहता था कि बाहर लोग बोल रहे हैं कि मैं आदमी हूँ, घर वालों को कभी फील ही नहीं हो रहा। मैं रात को 2 बजे भी किसी को छोड़कर आ रहा हूँ स्टेशन पर, जो लौट कर आ रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि इतना गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरे मुंह पर उनको बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसे पता है मैं करके क्या आ रहा हूँ, मैं किसी रिश्तेदार को छोड़कर आ रहा हूँ या किसी की मदद करके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हो रहा ना मैं लड़की हूँ। सर अभी मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, मैं 3-4 साल की उम्र में, मेरे बहुत लंबे बाल थे और सर मुझे ये पता नहीं है कि एक लड़की ने इतने सारे बाल काट कैसे लिए अपने, और वो भी इतनी भारी कैची। सर मेरे फादर टेलर हैं और जो टेलर वाली जो कैची होती है सर वो किस तरह की होती है, काफ़ी भारी होती है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ मुझे उस समय नहीं पता था इतना छोटा बच्चा उस कैची को कैसे उठाया और सारी खोपड़ी कैसे उसने बाल हटा दिया अपना, सर मेरे को नहीं पता। अगर लोग आज ये बोलते हैं कि मोबाइल है उससे बिगड़ गए लोग या मोबाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो सर मैं कह रहा हूँ उस समय 3-4 साल की जो मेरी उम्र है, सर मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, वरना मैं वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा, लोगों से पूछूंगा इस बच्चे को किसने बताया ये कि तुम बाल काट दो। मैं देखता हूँ कि लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, इसका एक बाल टूट जाए तो ये मेरी जान खा जाती है, ये मेरे बाल टूट रहे हैं और सर इतने सारे बाल मैंने कैसे काट दिए अपने। तो सर ये चीज़ अंदर से होती है, ये बाहर से नहीं आती है, कोई मुझे सिखा नहीं सकता।
मैं दुनिया के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आदमी है या जो औरत है, मैं उनसे बोलूंगा एक घंटे के लिए मेरा वाला ड्रेसअप कर लें, और जो आदमी है उनको बोलूंगा इसका वाला ड्रेसअप कर लो एक पल के लिए, करके तो देखो। मैं इतने टाइम से ये लाइफ जी रहा हूँ मैं, और आप देखो ना मुझे, मुझे लड़कियों की लाइन में खड़ा करके देखो, तब मेरे चेहरे को देखो, आज मेरे चेहरे को देखो, खुद महसूस दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं इंसान का आईना होता है चेहरा, मेरा भी आईना है ना, मुझे भी देखो ना, आज देखो ना इसकी जिंदगी देखो, देखो इसको मेरे साथ में देखो, वो फोटो देखो जब ये अपने माँ बाप के घर पर है, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हुआ है इसके साथ में, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ में कुछ जोर से बोलो ना, सुनाई तो आए ना। अच्छा दीप्ति आपसे एक सवाल, अभी शादी का जो बंधन होता है वो तो एक दिल से दिल की बात होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, और साथ साथ शादी के साथ फिर एक ये भी इच्छा रहती है कि बच्चे हों और आगे चलें, तो क्या इस बारे में भी कुछ आपको डाउट या विचार कुछ हो? शादी एक बंधन होता है, ऐसा नहीं कि शरीर का ही बंधन होता है, दिल से दिल मिलनी चाहिए। लोगों की सोच होती है कि शरीर का बंधन होता है, लेकिन दिल का बंधन होता है मेरे हिसाब से तो, बाकी लोगों की सोच क्या है। सर मैं एक क्वेश्चन सर बोलना चाहूँगा सर बीच में, अगर शादी दो जिस्म का रिश्ता होता तो दुनिया में जो लड़के लड़कियाँ शादी करते हैं तलाक नहीं होता, और अगर शादी से एक बच्चे का रिश्ता होता, सिर्फ बच्चे का रिश्ता होता, तो दुनिया में कोई औरत बांझ नहीं होती और कोई आदमी शायद बिना पिता बने नहीं रहता। सर मैं यही बोलना चाहूँगा, इससे अधिक सर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज भी दुनिया में सर बहुत ऐसे पिता हैं, बहुत ऐसी माता हैं जिनको बच्चा नहीं है, और भी बहुत समाज के सामने शादी हुई है उनकी फिर भी, और सर उनके साथ भी वही रिलेशन हुआ है, तो सर ये कुदरत की चीज़ है ये, और सर मैं भी उसी भगवान ने मुझे भी बनाया है जिसने सबको बनाया है सर इंसान। आप दोनों के लिए अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि आजकल के युग में जहाँ पे साइंस इतनी तरक्की कर रही है और बांझ कपल को भी बच्चे का सुख मिलता है, और एक और सुख है कि अगर आप अपने बच्चे को भी आप अपने साथ रख सकते हैं जिसको और कोई नहीं देखता है, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? सर इस बारे में सर मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं ना इनके बच्चे नहीं हो सकते, सर उसको बताना है एक बार एक्चुअली। बाकी सर मैं दिल से ये चाहता हूँ सर जिनके जिनके माँ बाप नहीं है, आज भी सर मेरे भाई के दो बच्चे हैं, सर उनकी माँ सर उनको छोड़कर चली गई है, सर दो बच्चे सर मेरे बगैर नहीं रह सकते। कल जब मेरी माँ को मैंने बोला कि मैं अब शादी हमारे दोनों के बगैर सर सर जब मैंने बोला कि अब मैं शादी करके ही वापस लौटूंगा मैं, तो मेरी माँ ने कहा ठीक है तू यहाँ मत आई हो, तो बच्चे ने वो सुन लिया था, तो वो उनको बोलता है कि मेरे को रात को चुपचाप से फोन करता है, अगर कल तक आप नहीं आए दीदी को तो आप साथ ले गए हो, हम यहाँ पर रह गए, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। सर 10-12 साल का बच्चा मेरे को ये बोलता है तो सर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कोई नहीं है सर सर आदित्य और सिद्धार्थ जैन सर नाम है उसका सर। बहुत अच्छे बस सर, और आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ हैं, और बड़ी खुशी होती है कि दो प्यार करने वाले लोग साथ हैं, और मैं आपको एक ये कहूँगा कि आशा बना के रखिए, क्योंकि समाज भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे आप लोग सामने आएंगे और लोगों को समझाएंगे तो हम सब साथ समझेंगे। कुछ रंग हैं जो हमने नहीं देखे जी। मैं जब कहता हूँ हम तो समाज की बात करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि समाज क्रूर है, समाज भी बदल रहा है, और सर उसको जानकारी नहीं है सर उसका, मैं ये नहीं बोलूँगा समाज का कसूर है सर, एक्चुअली उसको जानकारी नहीं है ना, जब तक उसको जानकारी नहीं होगी सर मैं ये बोलता हूँ कि अमेरिका कहीं है, मैंने तो नहीं देखा ना कैसा है अमेरिका, तो बस यही चीज़ है कि मेरे माँ बाप को या समाज को ये चीज़ नहीं पता है कि ऐसा होता है या ये पॉसिबल है दुनिया के अंदर, लोगों को आज भी नहीं पता है सर। एक टाइम था जब बोलते थे सर, अभी भी मुझे बहुत ही एजुकेटेड लोग बोलते हैं कि ये इंडिया में ऐसा हो चुका है क्या ये, मतलब मेरे को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया, लेकिन जब मैंने बोले कहाँ कराया आपने, मैंने हॉस्पिटल में कराया, तो बोले अरे हमारा हिंदुस्तान इतना आगे निकल चुका है, मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है, बस थोड़ी जानकारी रखिए।
तो सर उन लोगों को समझ आया और बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि किसी की लाइफ खराब हो, क्योंकि मैं शादी सर कर लेता। दो दिन बाद कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि शादी कर लो तलाक दे देना। कल मैंने कहा यार इतना गंदा काम तो इंसान को नहीं करना चाहिए ना, कि किसी इंसान की, क्योंकि मेरा किसी से दिल नहीं मिलेगा। सर आज तक के समय में सर मैं एक चीज़ समझ नहीं पाया सर, ये इतनी बड़ी हो गई सर, आज 7 साल पहले जब मैं इसको मिला था तो इसका आज तक इससे रिलेशन नहीं हुआ, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का किसी लड़की को ना देखे। और ये मुझसे कह रहे थे तुम इतनी सुंदर हो कोई ये कर लेगा, वो मैंने कहा मेरे बिना मर्जी के कोई कैसे क्या कर लेगा, मेरे को छोड़ने जाते थे स्कूल कोचिंग, मैंने कहा नहीं टेंशन। सर बीबीए सर थोड़ा डर तो लगता ही है ना सर, ये दुनिया कुछ लोग सर जो मुझको कह रहे थे अरे तुम्हें नहीं बताया लोगों की बुरी नगाह कैसी होती है, मैंने कहा नहीं आप दोनों बहुत सुखी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि समाज आपके साथ बदले। हाँ एक्चुअली समाज को बदलने की ज़रूरत है, आप जैसे हैं वैसे रहिए और खुश रहिए खुशहाल रहिए। एजुकेशन सबको देनी चाहिए जी सर, और एजुकेशन सबको लेनी भी चाहिए जी। तो हम सब सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। हाँ सर आगरा सर मेंटल हॉस्पिटल जो सर बहुत बड़ा बोला जाता है सर, वहाँ के सीनियर डॉक्टर सर मुझे इतना सॉफ्ट हुआ कि डॉक्टर होकर भी इनको समझ नहीं है जो सारी फील्ड यही है इनकी, कि मैं सर कोई पागल नहीं हूँ। मैं उनको बोला कि मैं आपको पागल दिखता हूँ, अब मैं किस तरह का पागल दिखता हूँ आप मेरे को बताइए। मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं पेशेंट हैंडल करता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से पेशेंट के साथ ट्रीट करना चाहिए। बट सर मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ और मैं साइकेटिस्ट भी नहीं हूँ, मुझे नहीं जानकारी है। बट मुझे ये पता है कि मेरी आत्मा में क्या तकलीफ हो रही है। सर मैं दीप्ति के फादर को उसकी मदर को सर पूरी फैमिली के सामने मैं अपने बहनोई को लेकर गया सर, मैंने बोला भी था कि चाचा मैंने क्यों नहीं की, मैं आज दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को इल्ज़ाम लगाया या जो आपको बोलते हैं कि दीप्ति मेरे साथ 15-15 दिन के लिए जाती है और सर इतना गंदा सर लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, तो सर ये उस समय सोचती है कि मेरे को सुसाइड करना है। बस मैं भगवान को उस समय बोलता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पता है, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, एक दिन वो आएगा जब बता पाऊँगा मैं इसको कि दीप्ति गलत हम नहीं है, गलत वो लोग हैं जो हमारे लिए गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसके पापा को बोला, चाचा को मैंने बोला कि आज दुनिया को आप बता देना जिसके साथ मेरी बेटी 15 दिन के लिए जाती है मैं हमेशा के लिए उसको सौंप रहा हूँ, और मैंने शादी क्यों नहीं की ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है। तो सर मैं अपने और सर दीप्ति के माँ बाप से सर यही कहना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर वो हम दोनों को समझ लें, क्योंकि सर ये अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती है सर, और मैं भी अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता हूँ, और सर ये मुझे अपने माँ बाप से अलग नहीं करना चाहती और मैं इसे इसके माँ बाप से अलग नहीं करना चाहता हूँ सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और सर हम दोनों की सर यही रिक्वेस्ट है सर, मैं चाहता हूँ ये वीडियो हमारे पेरेंट्स देखें और उनको समझ आए सर, सर एक बार आप बोल दीजिए मेरे हम दोनों के माँ बाप को सर कि वो मान जाए सर। सब मानेंगे बल्कि समाज आपके साथ खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है और हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर की भी नींव रख दी गई है जी। और हम इसको मेडिकल कॉलेजेस में भी लाएंगे और ताकि सब हर डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में पता हो, ताकि जो तकलीफ से आप गए वो जी सर। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल टीचर शिक्षक इनको भी पता हो सर, मैं भी यही चाहता हूँ सर अवेयरनेस बढ़े समाज में, आगरा में भी ऐसे बहुत लोग हैं सर, आगरा के अंदर भी सर सभी जगह पर है सर। अभी थैंक यू आप लोग रेता हिम्मत से और इतनी क्लैरिटी से हमसे बात करी और हम आपका मैसेज देश भर में क्या पूरी दुनिया में फैलाएंगे जी सर। मैं यही चाहता हूँ सर कि लोग बस आत्महत्या ना करें सर। एक लास्ट में सर एक वर्ड बोलना चाहूंगा, कहते हैं कि घर छोड़कर बन को गए, नहीं घर छोड़कर बन को गए और बन में लागी आग, अब बन छोड़कर कहाँ जाओगे जब कर्मन लागी आग। तो सर मैं कर्मों को काटना चाहता हूँ सर, और मैं हर ऐसे भाई और बहन से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने कर्म काटने हैं, आत्महत्या नहीं करनी है सर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है सर। बहुत सुंदर विचार है सर, जिस भगवान ने सर बनाया है हमको ये, तो सर वो हमारी मदद करता है सर, हर पल उसने हमारी मदद की है सर, बस आत्महत्या नहीं करना सर। थैंक यू।